वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज़ ललित सिंह मेहता। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ लोडिंग इन स्ट्रेन एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, उसका डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेन एनर्जी, ये मेरे प्लेलिस्ट स्ट्रेन एनर्जी में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, सो यू कैन वॉच देयर। आज जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लोडिंग। सो आप देख सकते हैं बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोडिंग when it comes to topic strain energy. So पहले type का जो loading होता है वो होता है gradual, दूसरे type का जो loading है वो है sudden, and तीसरे type का जो loading है वो है impact. अब इन तीनों का difference मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। So gradual loading means जब एक body के ऊपर जो load है वो एकदम धीरे 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 means gradually applied होता है, तो वैसे type को loading को हम ग्रेजुअल लोडिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा होगा इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो हम लोग कॉम्प्रेशन टेस्ट या हमारा टेंशन टेस्ट करते हैं कोई मटेरियल के ऊपर, सो वहाँ पे जो लोड अप्लाई होता है वो बहुत धीरे 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 अप्लाइड होता है, एंड वैसे टाइप के लोडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजुअल लोडिंग ऑन अ मटेरियल। सो ये हो गया ग्रेजुअल लोडिंग। और ग्रेजुअल लोडिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। सो ग्रेजुअल लोडिंग ज़ीरो से स्टार्ट होके आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। सो ग्रेजुअल लोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, ये हो गया हमारा ग्रेजुअल लोडिंग। दूसरा जो है वो होता है सडन लोडिंग। अब सडन लोडिंग के लिए, या इसको मैं कह सकता हूँ सडनली अप्लाइड लोड। तो सडन लोडिंग का मैं एक अच्छा एग्जांपल दूँ आपको, तो सपोज़ आपके पास एक क्रेन है और वो क्रेन कोई मटेरियल को लिफ्ट करके कोई प्लेटफॉर्म पर रख रहा है क्रेन। सो वो मटेरियल को लिफ्ट कर लेगा क्रेन और वो प्लेटफॉर्म पे कोई उसको रखने के लिए काम कर रहा है। सो सपोज़ वो प्लेटफॉर्म के पास आके, जैसे वो प्लेटफॉर्म पे रखने वाला है वो क्रेन, एंड वो प्लेटफॉर्म के एकदम पास आ गया, अगर वो क्रेन का चेन टूट जाए, सो लोड जो आएगा वो प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कैसे होगा, सडनली अप्लाइड लोड। सो ऐसे टाइप का लोडिंग को हम लोग कहते हैं सडनली अप्लाइड लोड। सो ये हमारा पहला हो गया ग्रेजुअल, दूसरा हो गया सडन। अब तीसरा इम्पैक्ट लोडिंग या लोडिंग विथ इम्पैक्ट। सो ऐसे टाइप की लोडिंग में जो लोड अप्लाई होता है बॉडी के ऊपर वो एकदम क्या कहते हैं, एकदम फास्ट होता है, इंस्टेंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी दो बॉडी अगर आपस में कोलाइड हो जाए, कोलाइड फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कार एक्सीडेंट, सो वैसे टाइप की लोडिंग जब होती है एकदम फास्ट इंस्टेंटली विथ इम्पैक्ट, सो वैसे टाइप के लोडिंग को हम इम्पैक्ट लोडिंग कहते हैं। इम्पैक्ट लोडिंग का एक और एग्जांपल भी इन रिलेशन टू सॉम हम लोग प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट एंड चारपी इम्पैक्ट टेस्ट। सो उसमें जो हैमर है वो हैमर वर्कपीस को आके एक हाइट से हिट करता है, और वो जो एब्जॉर्ब होता है वर्कपीस में जो एनर्जी वो है इम्पैक्ट स्ट्रेन एनर्जी, और हम लोग कह सकते हैं लोडिंग विद इम्पैक्ट। सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ लोडिंग विच कम्स इन स्ट्रेन एनर्जी। अब ये स्ट्रेन एनर्जी में क्यों इम्पॉर्टेंट है इन थ्री टाइप का लोडिंग को पढ़ना। सो हमको पता है स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में आने के लिए उसके ऊपर लोड अप्लाई होना पड़ेगा, एंड वो बॉडी वो स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। सो ये तीन टाइप की लोडिंग, अलग अलग टाइप की लोडिंग है, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। और इसमें तीनों टाइप की लोडिंग में कोई स्ट्रेस आएगा बॉडी में, करेक्ट? ये तीनों टाइप की लोडिंग में जो बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसको कि हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं। सो ये सिग्मा का क्या रिलेशन रहेगा, रिलेशन मींस फॉर्मूला क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस थ्री लोडिंग्स, वो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी मॉड्यूल में देखेंगे। एंड कितना स्ट्रेन एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब करती है या स्टोर करती है इन थ्री टाइप के लोडिंग में, वो भी हमको देखना पड़ेगा। सो स्ट्रेन एनर्जी में बेसिकली हमको देखना पड़ता है सिग्मा फॉर थ्री टाइप्स ऑफ लोडिंग, कि वो सिग्मा स्ट्रेस का वैल्यू क्या है ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, सडन लोडिंग के लिए एंड इम्पैक्ट लोडिंग के लिए। एंड सिमिलरली हमको देखना पड़ता है कि यू जो कि है स्ट्रेन एनर्जी, वो
कितना बॉडी एब्जॉर्ब करता है, कितना बॉडी स्टोर कर पाती है व्हेन इट कम्स टू दिस थ्री टाइप्स ऑफ लोडिंग। सो ये स्ट्रेन एनर्जी में टाइप्स ऑफ लोडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो उम्मीद है आपको ये तीन टाइप का लोडिंग का डेफिनेशन एंड छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरे अगले वीडियो में इन थ्री टाइप के लोडिंग का हम इलैबोरेट नेचर में ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनर्जी के रिलेशन में तीनों लोडिंग का वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।